Welcome to the Gummy Bear Show. ये सुपर हीरोज कितने कूल होते हैं ना, कूल कॉस्ट्यूम्स, कूल फैन फॉलोइंग। काश मेरे पास भी कोई सुपर पावर्स होती। किसे पता गमी, शायद तुम्हारे पास हो। सभी सुपर हीरोज को ऐसे ही एक्सीडेंटली पता चलता है। क्या तुम्हें हाल ही में किसी रेडियो एक्टिव मकड़ी ने काटा, या फिर किसी सुहाने दिन पर तुम पर अचानक बिजली गिर गई और तुम बेहोश हो गए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन मेरे अंगूठे पर कुछ लगा है। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, पर कोई बात नहीं, हो सकता है कि तुम्हारे अंदर सुपर पावर्स छिपी हो, बस तुम्हें उनका पता ना हो। अगर हैरी की बात सच निकल गई तो, अगर मुझे सच में पता लग गया कि मेरे पास सुपर पावर्स हो तो। नहीं, सुपर पावर्स दिख तो नहीं रही हैं। सोचता हूँ कोई छुपी हुई सुपर पावर। ध्यान से सोचूंगा तो शायद मुझे पता लग जाएगा और मैं एक असली सुपर हीरो बन जाऊंगा। शायद मेरा नाम पड़ जाए लिफ्टमैन, और मैं भारी से भारी चीजें आराम से उठा लूं। मेरी कमर, हल्की चीज ट्राई करता हूँ, शायद इससे भी हल्की चीज। वन एंड ओनली लिफ्टमैन। ओके, इसे भी भूल जाओ गमी। शायद मेरी सुपर पावर हो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सोमैन। ओह, मेरी कमर, ठीक है, इसे भी भूल ही जाता हूँ। पावर ऑफ लाइट भी तो हो सकती है, फ्लायोमैन। तो ये शोर किस बात का है? मैं थोड़ी देर पहले गमी के साथ था और उसे ऐसा लगता है कि शायद वो एक सुपर हीरो बन सकता है। तुम ठीक तो हो गमी? तुम इतने दुखी क्यों हो? बिना कोई सुपर पावर्स के मैं बोर हो रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। वाह, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। हाँ, मतलब वाह, ये हुई ना बात, मुझे मिल गया। क्या मिला? वही। क्या वही? मैंने कहा तुमने मेरे मन की बात कह दी। एग्जैक्टली, मैं इसी सुपर पावर को तो ढूंढ रहा था। थैंक्स ग्रैनी पीटर्स, मैं ये याद रखूंगा। चाहे मैं दुनिया को बचाने में कितना भी बिजी हो जाऊं, पर आपके लिए हमेशा फ्री रहूंगा। रूल नंबर वन, एक सुपर हीरो को चाहिए एक सुपर कॉस्ट्यूम। टाडा! तुम्हारे मन की बात, तुम रास्ता क्रॉस करना चाहते हो। हाँ गमी, मैं बस यहाँ पर ग्रीन लाइट होने का इंतजार कर रहा हूँ। यकीन नहीं होता ना, मैंने पहले ही बता दिया, मैं कमाल हूँ। आप एक्सपेरिमेंट करने की सोच रही हैं? हाँ, सही कहा। माइंडो मैन, तुम्हारे मन की बात बताता हूँ। तुम सोने जाना चाहती हो। तुम्हें भी यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर जल्द से जल्द यहाँ से नहीं गए और मुझे फिर से तुमने डिस्टर्ब किया तो तुम। माइंडो मैन, अगर तुम्हें अपने मन की बात जाननी हो तो मुझे बुला लो, मैं मदद के लिए आ जाऊंगा। हाँ, बस मुझे तब मत बुलाना जब मैं सो रहा हूँ या खा रहा हूँ, या जब मैं अपना नाश्ता बना रहा हूँ, या जब मैं नहा रहा हूँ, या जब मैं अपना गंदा कमरा साफ कर रहा हूँ। बस बुला लेना इस माइंडो मैन को। अजीब है। क्या मतलब, अब वो दूसरों की मदद करने में इतना बिजी हो गया है कि उसके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। वो सुपर हीरो होगा,
लेकिन पुराने गमे की याद आती है। माइंडोमैन टूथपेस्ट सुपर स्माइल के लिए, माइंडोमैन सोप, माइंडोमैन डायपर्स, माइंडोमैन फेस क्रीम, माइंडोमैन कॉफी और माइंडोमैन केचप भी। जो भी चैनल लगाओ वहाँ सिर्फ और सिर्फ माइंडोमैन ही है। कम से कम इतना तो हुआ कि उसकी कोई सीक्रेट आइडेंटिटी नहीं है। रूल नंबर टू, हर सुपर हीरो की एक सीक्रेट आइडेंटिटी होनी चाहिए, ताकि चाहे 100 साल ही क्यों ना हो जाए कोई मुझे पहचान ना पाए। ये दीवार यहाँ किसने लगा दी? शायद सीक्रेट आइडेंटिटी के होने की वजह से मेरी सुपर पावर्स को खतरा हो सकता है। माइंडोमैन, हैरी जहाँ भी होगा वो यही सोच रहा होगा कि बोर्ड अच्छे से साफ हो जाए। माइंडोमैन, काला जहाँ भी होगी सोच रही होगी कि अब उसे ये लकड़ी के बोर्ड्स हटाकर नए स्टील के बोर्ड्स लगाने की जरूरत है। माइंडोमैन, ग्रैनी पीटर्स जहाँ भी होंगी वो यही सोच रही होंगी कि उनके केमिकल्स एक साथ टेबल पर रखे जाएं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, आप सबकी मदद करना तो माइंडोमैन का फर्ज है। पता है मुझे बिना सुपर पावर वाला गमी ज्यादा पसंद है। जब कभी भी हमारा मूड खराब होता था वो झट से ठीक कर देता था। नाचना गाना मनोरंजन से भरपूर। लगता है मुझे अपनी असली सुपर पावर्स मिल गई हैं। अच्छा दोस्त बनने की। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ। पर आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ गमी। नहीं, सुपर गमी। पूरी दुनिया में हमारा सबसे सुपर दोस्त। ये।